हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गूगल फाइल के अंदर नोटिफिकेशन को कहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो गाइड्स, इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखेगा बिना स्किप करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइड्स, देखिए सबसे पहले अपने गूगल फाइल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ तीन डॉट दिखाई देंगे, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ दूसरे नंबर पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको देखिए सभी, जिसमें कि यहाँ सभी तरह के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जैसे कि डुप्लीकेट फाइल है, डाउनलोडिंग फाइल है और लो स्टोरेंज है, जिनके भी आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि डुप्लीकेट फाइल इसमें है और ये डाउनलोडिंग फाइल है, लो स्टोरेंज है, जिसका भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, जिसका चाहे उसका यहाँ से बंद कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से, जैसे इस पर टिक करा तो एक आर्ट देखे यहाँ लो का स्टोरेंज का ऑप्शन बंद हो जाएगा, नोटिफिकेशन आने बंद हो जाएंगे। डुप्लीकेट का करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ से नोटिफिकेशन को, जिसका आपकी मर्जी हो, जिसका मैसेज ज़्यादा आ रहा हो, उसे यहाँ से बंद कर देंगे। तो गाइड, इस तरीके से आप अपने गूगल फाइल के अंदर नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो गाइड, जब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक यू।